दुल्हन का है ये नहीं। सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। तो यार बहुत टाइम के बाद फिर से एक नया व्लॉग के साथ, तो अब जो है ना इंशाल्लाह ताला व्लॉग अपलोड करता रहूँगा। बस थोड़े बहुत प्रॉब्लम थी घर में, तो अब वो हल हो गई है। बाकी लाइफ के अंदर तो प्रॉब्लम चलती रहेगी भाई, जब तक कि आप ज़िंदा हो ना, जब तक मर नहीं जाते, जब तक कि तुम्हारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आती रहेगी। तो टेंशन नहीं लेनी, अभी तुम्हारा भाई दोबारा से आ गया है और इंशाल्लाह ताला अब व्लॉग में अपलोड करता रहूँगा। और अभी रमज़ान की भी मुबारकबाद नहीं दे पाया आप लोगों को कि रमज़ान भी आप लोगों को सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो बस यार अभी जो है ना मैं निकल रहा हूँ काम पे, अभी तकरीबन जोहर का टाइम होने वाला है और अभी मैं काम पे निकल रहा हूँ और अब देखते हैं क्या सीन बनता है। मैं दरअसल अब चला रहा हूँ इन ड्राइव पर गाड़ी, तो इन ड्राइव पर गाड़ी चला रहा हूँ और अब देखते हैं सीन क्या सीन बनते हैं। बाकी आज शेरी का प्रोग्राम भी है बाहर, तो बहुत ज़्यादा अभी इंजॉय करने वाले हो, मज़ा आएगा। तो खैर यार एनीवे वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग के अंदर। तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना, बस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, वॉच टाइम कंप्लीट करवाओ भाई का और इंशाल्लाह ताला तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ऐसे ही मज़े मज़े के व्लॉग लाता रहेगा। यार गाड़ी तो पूरी गंदी हुई हुई है, अभी धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही है, दोपहर का टाइम है। चलो पहले गाड़ी साफ़ कर लूँ फिर निकलते। चलो यार पूरी गंदी हो रही है देख लो। एक बजे से निकला हूँ, अब जाके पहली राइड लगी है 2:30 बजे। ये इनको ज़ियाउद्दीन से उठाना है, अभी जा रहा हूँ इनको लेने के लिए। तो चलो इनको उठाते हैं और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। ओहो भाई, तो यार इतनी देर बाद जाके जो है ना दूसरी राइड भी लग गई थी, लेकिन उनकी जो है ना घर की लोकेशन उन्होंने गलत डाल दी थी। तो जैसे कैसे करके मैं बहुत मुश्किल से जाके वहाँ पहुँचा, फिर उन्होंने पिक कर लिया था मैंने। पिक करने के बाद उनको अभी ड्रॉप किया है यहाँ पर अंडा मोड़ के पास। तो अब जा रहा हूँ और जो है भूख भी लगी हुई है दबा के ना, भूख से ज़्यादा लगी हुई है प्यास। तो खैर अभी देखते हैं, अभी कोई दूसरी राइड देखते हैं, अफ्तारी से पहले जितनी राइड लग जाती है देखते हैं लगा के ना, फिर निकलूँगा मैं घर की तरफ। और अगर राइड लंबी लग गई तो फिर रास्ते में ही अफ्तारी करनी पड़ेगी, देखते हैं अब क्या सीन बनता है। अभी एक राइड लगी है, इसको उठाना है नया नाजमाबाद के अंदर से। तो अब जो है ना निकल रहा हूँ मैं नया नाजमाबाद की तरफ, लेकिन यार इसके अंदर ये बड़ा मसला, करीम पर उठा रहा हूँ, 4.5 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है। तो खैर अभी जाता हूँ वहाँ, देखते हैं अंदर नया नाजमाबाद में। फाइनली नया नाजमाबाद के अंदर तो इंटर हो गए हैं और अभी थोड़ा सा ही आगे रहता है सफ़र, 3-4 मिनट का ये भी अभी गुजारते हैं और जो है ना पूछते हैं, फटाफट जा रहे हैं। माशाल्लाह मस्जिद तैयार कर दी इन लोगों ने, रहती है या फिर पता नहीं हो गई है पूरी, मेरे को लग रहा है उस साइड से हो रहा है काम, अभी भी चल रहा है। बाकी व्यू बड़ा VIP है यार। फाइनली पहुंच गया, अराइव कर दिया मैंने और मेरे को लग रहा है ये आगे वाले घर से आएंगे, तो देखते हैं, अब इंतज़ार करते हैं यार। और अभी तो अफ्तारी में बैठे हैं मैं, 4 बज रहे हैं अभी, तो नमाज का टाइम हो गया था, अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ और बैठा हुआ, कोई राइड लगे तो फिर निकलो यहाँ से, और टाइम भी होने वाला है, देखते हैं। अब सोच रहा हूँ घर निकल जाऊँ अफ्तारी के बाद, फिर निकल आऊँगा वापसी। उसके बाद अफ्तारी में टाइम कम रह गया था तो मैं चला गया था दोस्त के पास, वहाँ जाके मैंने अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद फिर मैं जो है थोड़ी देर बाद निकल गया काम पे, और काम के बाद फिर मैं निकल गया, हम लोग गए शेरी का प्रोग्राम बना हुआ था हमारा, तो मैंने सबको पिक किया और पिक करने के बाद चले गए हम लोग सब शेरी करने के लिए। तो यार ये रेस्टोरेंट कुछ ज़्यादा ही VIP बना हुआ था, नया रेस्टोरेंट बनाया इन लोगों ने, लेकिन इनके खाने का टेस्ट भी इतना अच्छा जैसा इन लोगों ने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। अब एक दोस्त है वो लोग तो आते रहते हैं, तो वही लेके आ गए हमें यहाँ के, यहाँ चलो यहाँ की सैरी करते हैं। दुल्हन का है दुल्हन, ये सही है ना, भाई
चौधरी लाते ही उदा चा जबरदस्त भाई कौन से पेपर दे रहे हो मैट्रिक के जी ये तो आपको दिखाने वाला हूँ ये मेन्यू कार्ड मेन्यू कार्ड है बड़ा स्पेशल किस्म का बना है लकड़ी में यार कुछ भी मंगवाओ यार खा लेंगे माशाल्लाह रेस्टोरेंट अच्छा बना हुआ है ये आई भी सी चिकन कढ़ाई है अब्बा इधर दिखाओ ये चेक करें आप ये आ रही है भाई मटन चिकन व्हाइट कढ़ाई ब्राउन कढ़ाई बलोची कढ़ाई ब्राउन मंगवा ले अपनी ब्राउन है अपनी ब्राउन है अब्बा हाँ ये मेन्यू कार्ड है कभी देखा है रेस्टोरेंट में है ये मालिक है रेस्टोरेंट के झूले में बैठे हुए थे बारबेक्यू में कुछ नहीं है और कुछ खाना है भाई अच्छा ये कितना टाइम लगेगा 35 से 40 मिनट अच्छा देखना थोड़ा सा जल्दी बंदे आए हैं दूर से ना हाफ डन कुछ नहीं होगा हमारे पास सारा फ्रेश रहता है टाइम उधर भी अपन टाइम लगा लेकिन साथ ही कड़ाई चास नहीं चास तो मैं लेनी जो है तो के फटाफट खाना आ गया है वीआईपी हाँ भाई सबर नहीं होया जा रहा हाँ भाई कैसा लग रहा है पहले से खुशबू अच्छी है जैसे ही खाना आया टूट के पड़े बहुत मजा आया खाना अभी स्टार्ट होएगा और बहुत मजा आया खाना खाने के बाद झूले पे बिठाना तेरे को बड़े वाले पे झूले पे नहीं 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 रेस्टोरेंट बड़ा जबरदस्त है बड़ा वीआईपी रेस्टोरेंट है यार हाँ माई चले खाना वैसे कराची में अभी मजा आया नहीं है बड़ा अच्छा Here I come. पीछे जाएगा नहीं यार पीछे जाने को दिल नहीं करता अच्छा लोग अच्छे हैं यहाँ पे कमाल है यार और बाकी नट बोल्ट कैसे हैं तू सब तो बड़ा जलील है कायनात नहीं काम मारा कोई मारा धंधा नहीं अच्छा ये काम नहीं करना अपन ने हाँ भाई ना शरीफ हो गया अभी सब जमाने को जोड़ दिया चल भाई निकलते हैं अभी बड़ा मजा आया भाई खाना खाया है ये रेस्टोरेंट का नाम है आना एंजॉय करना हाँ भाई मजा आया कैसा वीआईपी आया नहीं हाँ भाई खाने वाने में कुछ कमी तो नहीं रह गई तो भाई शेरी बेरी तो समझ लो हमारी हो गई है तो अब देखते हैं क्या सीन बनता है आगे ना यार घर आ गए थे शेरी वेरी करके बहुत मजा आया आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा किस किस ने सारे रोजे रखे हैं कमेंट में बताओ और यार इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।